राजेश कुमार गुरुग्राम की एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। उनकी पत्नी सीमा एक बुटीक चलाती है। शाम को दोनों घर पहुंचे तो थके हुए थे। दोनों ने कहीं से चावल, पनीर और चिकन ऑर्डर किया। अगली सुबह दोनों अपने अपने काम पर जाने के बजाय डॉक्टर के पास पहुंच गए, क्योंकि उन्हें फूड पॉइजनिंग की शिकायत थी। पूरे देश में हर साल हजारों लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार होते हैं या मर जाते हैं। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। कहावत है कि अगर वह सुरक्षित नहीं तो वह खाना नहीं, क्योंकि लैसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल करीब 15.73 लाख लोग खराब खाने से मारे जाते हैं। खराब खाने से मौत के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। 31.28 लाख मौतों के साथ चीन पहले नंबर पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम IEDSP के अनुसार 2008 से 2017 के बीच फूड पॉइजनिंग एक नए प्रकोप की तरह फैल रहा है। यह अब भी फैला जा रहा है। 2008 से 2017 के बीच फूड पॉइजनिंग के 2868 मामले सामने आए हैं, जो डायरिया से 43,461 मामलों में अलग अलग है। IDSP के ने इस साल 6 से 12 मई के बीच फूड पॉइजनिंग के 14 मामले दर्ज किए हैं। पिछले साल आई विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार खाने से होने वाली बीमारियों की वजह से हर साल भारत पर 1,78,100 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। ये देश की सकल घरेलू उत्पाद का करीब 0.5% है। 2008 से 2017 तक फूड पॉइजनिंग के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 बनाई गई थी, ताकि पूरे देश में खाने की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। 2008 से 2017 तक पूरे देश में उसी जगह से सबसे ज्यादा फूड पॉइजनिंग के मामले आए जहाँ बड़ी मात्रा में भोजन बनाया गया है, जैसे प्रसाद, शादी समारोह, हॉस्टल्स, कैंटीन आदि। फूड पॉइजनिंग आदि लोकसभा में 4 जनवरी 2019 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया था कि देश में पिछले 3 साल में मिलावटी खाने में 20% से ज्यादा सप्लीमेंट्स मिले। 2015 से 2016 के बीच पूरे देश में खाने की गुणवत्ता जांचने के लिए 72,499 सैंपल्स लिए गए। इनमें से 16,133 सैंपल्स 22% सैंपल्स मिलावटी थे। 2016 से 17 के बीच 78,340 सैंपल्स लिए गए। इनमें से 18,325 सैंपल्स यानी कि 23% सैंपल्स मिलावटी थे। 2017 से 18 के बीच 99,335 सैंपल्स लिए गए। इनमें 24,262 सैंपल्स यानी 24% मिलावटी थे। मिजोरम में 84 सैंपल्स में से 52 मिलावटी निकले। राजस्थान में 3,549 सैंपल में से 1,598 मिलावटी निकले। उत्तर प्रदेश में 19,063 सैंपल्स में से 8,375 मिलावटी निकले। झारखंड में 580 सैंपल्स में से 219 सैंपल्स मिलावटी निकले। मणिपुर में 830 सैंपल्स में से 295 सैंपल्स मिलावटी निकले। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पूरी दुनिया में फूड पॉइजनिंग से 200 प्रकार की बीमारियां होती है। इसे डायरिया से लेकर कैंसर तक शामिल है। करीब 60 करोड़ लोग हर साल फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़ते हैं। फूड पॉइजनिंग से 5 साल की उम्र के 1,25,000 बच्चों की मौत हो जाती है। फूड पॉइजनिंग का सबसे ज्यादा असर गरीब और सेहत से कमजोर लोगों पर पड़ता है। इनमें से 18,325 सैंपल्स यानी कि 23% सैंपल्स मिलावटी थे। 2017 से 18 के बीच 99,335 सैंपल्स लिए गए। इनमें 24,262 सैंपल्स यानी 24% मिलावटी थे। मिजोरम में 84 सैंपल्स में से 52 मिलावटी निकले। राजस्थान में 3,549 सैंपल में से 1,598 मिलावटी निकले। उत्तर प्रदेश में 19,063 सैंपल्स में से 8,375 मिलावटी निकले। झारखंड में 580 सैंपल्स में से 219 सैंपल्स मिलावटी निकले। मणिपुर में 830 सैंपल्स में से 295 सैंपल्स मिलावटी निकले। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पूरी दुनिया में फूड पॉइजनिंग से 200 प्रकार की बीमारियां होती है। इसे डायरिया से लेकर कैंसर तक शामिल है। करीब 60 करोड़ लोग हर साल फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़ते हैं। फूड पॉइजनिंग से 5 साल की उम्र के 1,25,000 बच्चों की मौत हो जाती है। फूड पॉइजनिंग का सबसे ज्यादा असर गरीब और सेहत से कमजोर लोगों पर पड़ता है।